मध्य प्रदेश के छतरपुर के बेतवा लिंक परियोजना में निर्मित दोड़न बांध में ग्रामीणों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। बता दें कि ग्रामीण केन बेतवा लिंक परियोजना के अंतर्गत लंबे समय से विस्थापन प्रक्रिया और नीति स्पष्ट करने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि विस्थापित होने वाले ग्रामों के समस्त कुटुंब परिवारों के सदस्य जिनकी आयु 18 साल हो चुकी है उनको परिवार मानकर मूलभूत सुविधाएं दी जाए और उनके रोजगार के लिए उचित राशि दी जाए। बता दें कि ज्ञापन देते हुए अपर कलेक्टर डीजीपी द्विवेदी ने कहा कि केन बेतवा लिंक परियोजना से संबंधित ज्ञापन प्राप्त हुआ है जिसमें उचित कार्यवाही हेतु वरिष्ठ अधिकारियों को प्रेषित किया जाएगा। सरकार के द्वारा 15 गांव डूब में आ रहे हैं, उन गांव का विस्थापन किया जा रहा है, लेकिन वो एक भी नियम कानून का पालन नहीं कर रहे हैं। धारा 11 के तहत जो गांव में नोटिस चिपकाए जाने चाहिए थे वो नोटिस तक गांव में नहीं चिपकाए गए हैं। प्रशासन गलत जानकारी दे रहा है, लगातार हम प्रशासन को सूचित कर रहे हैं, माननीय कलेक्टर महोदय को सूचित कर रहे हैं। इन्होंने प्रारंभिक अधिसूचना की जानकारी तक गाँव में नोटिस तक नहीं चिपकाए हैं, एक जानकारी नहीं दी है। ये किसी भी नियम का पालन नहीं कर रहे हैं, ये भी किसी कानून का पालन नहीं कर रहे हैं। इनकी टीमें जाके सीधे सर्वे कर रही हैं, गांव के लोगों को डरा रही हैं, गांव के लोगों से ये कह रही हैं यदि आप सर्वे नहीं कराएंगे हम आपके गांव का मुआवजा बिल्कुल कम कर देंगे, ये इनका अधिकार है। इनका कहना है कि केन बेतवा लिंक परियोजना में जो हमारे गाँव की ज़मीनें जा रही हैं उसकी स्पेसिफिक जानकारी हमारे लिए दी जाए। धारा 11 का जो नोटिफिकेशन हुआ है वो एक तरह से ब्लैंकेट नोटिफिकेशन होता है और इसके तहत इसके बाद में जो दावा आपत्ति होती है उनका निराकरण किया जाता है और जो धारा 19 का नोटिफिकेशन होता है वो स्पेसिफिक होता है। ये पूरी जानकारी लेने के लिए ये बात है और इस तरह का जो नोटिफिकेशन हुआ है इसकी कॉपी हम ग्राम के सार्वजनिक स्थल पर चस्पा करवाएंगे।